आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। सरकार से एक बार कोरोना बिल्कुल खत्म सा हो गया था और अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मेंद्रगढ़ में पहले केसेस नहीं थे, अब बहुत ज्यादा आ रहे। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है? देखो, जिस प्रकार से पिछली बार मार्च को जिस प्रकार का लॉकडाउन लगाने का काम किया, ये बीमारी बड़ा बहुत बड़ा रूप लेकर के पिछली बार भी आई थी, लेकिन जिस प्रकार का फैसला पिछली बार सरकार ने लिया, लोगों ने लिया, लोगों ने सरकार की बात मानी और सरकार ने भी तुरंत फैसला लेने का काम किया, उसकी वजह से पिछली बार जो कोरोना आया उससे हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ करके और जीतने का काम किया। और इस बात को लेकर के मैं ये भी कहूँगा कि ये सारा काम अगर सरकार के ऊपर थोपा जाए तो भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार आई थी और सरकार को ये भी पता था, इनके अपनी सरकारी तंत्र की वजह से ये भी पता था कि अगली बार ये फिर दोबारा आएगा, तो इनको जिस प्रकार के आज लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, गैस की बात करते हैं और जिस प्रकार से दवाई की बात करते हैं, वो इनके पास में है नहीं, और उसको लेकर के आज जिस प्रकार की लूट मच रही है, लूट का मतलब एक 200-300 का इंजेक्शन और वो 40-50 हज़ार में नंबर दो में बेचा जाता है, वो मैं सारी सरकार की गलतियां मानूंगा। सरकार को जब ये पता था कि बीमारी आएगी और इसको लेकर के इन लोगों ने जिस प्रकार की लापरवाही बरती 5 स्टेट में चुनाव करवाने के मतलब से, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ लोग मर रहे थे और एक तरफ ये बंगाल में 20-20 लाख की भीड़ इकट्ठी कर करके और बंगाल जैसे प्रदेश को भी इस कोरोना जैसी बीमारी से जोड़ने का काम किया, तो इनने अपने मतलब के लिए, मैं सरकार को इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि इनको पता था तो ये लॉकडाउन आज से पहले ही इनको ये, बल्कि मैं ये कहूँ कि इनको मार्च में ही लगा देना चाहिए था ताकि ये बीमारी की चैन टूट जाती और टूटने के बाद में चाहे ये चुनाव करवाते। जैसे पूरे देश में अगर चुनाव हो तो वो 8 चरणों में ये करवाने का काम करते। एक छोटा सा प्रदेश था बंगाल और उसको लेकर के वहाँ इन्होंने 8 जोन में इन्होंने चुनाव करवाए और वहाँ जिस प्रकार से वहाँ चुनाव हो रहे थे, हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सभी ने चेताया भी था और इनके अपोजिशन की जो लीडर थी ममता जी, उसने भी कहा था कि चुनाव छोटा रूप दे करके जल्दी करवा दिया जाए, कोरोना जैसी बीमारी बढ़ गई और इनको कोई मतलब ही नहीं था। जिस प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी बढ़ रही थी और ये सोच नहीं रहे थे, और जब इनकी सोच की बात देखो, ये सोच रहे थे कि हम वहाँ जीतेंगे और जीत करके हम जश्न मना करके लोगों की लाशों पर खेल करके लोगों को इतनी मृत्यु दर बढ़ा करके और हम एक जश्न मनाएंगे, लेकिन वहाँ हारने के बाद में तुरंत इन्होंने फैसला लिया। ये फैसला पहले भी ले सकते थे, पहले लेकर के आज जिस प्रकार से हमारे महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, पिछली बार एक भी केस नहीं था, आज डेली 8-10 आदमी मर रहे हैं, हजारों आदमी डेली पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार की लापरवाही थी और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे लोगों की भी लापरवाही है। देश के लोग पिछली बार जिस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको लड़ करके इस कोरोना जैसी बीमारी से जीत करके उभर करके सामने आए, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि पिछली बार भी कोई बीमारी नहीं थी, इस साल भी कोई बीमारी नहीं, हम इससे ऐसे लड़ते रहेंगे। अरे आपको पता है 2-3 घंटे में कहीं इनके फेफड़े पर अटैक करता है और तुरंत, कल हमारे महेंद्रगढ़ में एक श्रेणियों का लड़का था, वो तुरंत 4 घंटे में ही ख़त्म हो गया। तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, मैं तो लोगों से यही कहूँगा, इसकी न तो कोई दवा है, न कोई हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल है तो सरकार के पास में कोई चीज़ नहीं, इसलिए अपना काढ़ा पिए, बच कर के रहें, अंदर रहे, मास्क को लगाएं और दूरी से, परिवार से दूरी बढ़ा करके रखें, तो ही बचाव है, बचाव में ही बचाव है। तो आप सभी, मैं तो आप सभी यही कहूँगा कि आप भी जहाँ भी जाएं, आप भी लोगों से दूरी बढ़ा करके, मास्क को लगा करके, और फिर आप अपनी बात करने पर, सुनने पर और लोगों के बीच में अपनी बात बताने के लिए आप जाने का काम करें। ये बात लेकर के आज मैं आपके बीच में आया था और मैं यही चाहूँगा कि देश और प्रदेश और हमारा शहर आराम से रहे। भगवान, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी से हमें जीतने का अवसर